जौनपुर के साहगंज अंतर्गत सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं द्वारा मनाया गया दीपावली का त्यौहार आपको बता दें कि प्रधानाचार्य पांडे की देख रेख में विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रतियोगात्मक कार्यक्रम के तहत दीपावली मनाया गया, जिसमें भैया बहनों ने दिया सजाकर व ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर बहने रंगोली बनाकर इस प्रतियोगिताओं में भाग ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहने रंगोली बनाई हुई हैं, वहीं महिलाओं ने भी ग्रीटिंग कार्ड्स व दीपक मोमबत्ती बनाकर कैंडल्स बनाकर प्रतियोगिता में सहभागिता निभाई। जज की भूमिका में पूर्वांचल स्तर के कलाकार राजकुमार व नीलू बहन जी ने निभाते हुए प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त छात्रों का नाम घोषित किया, वहीं उन्हें विद्यालय ने पुरस्कृत भी किया। अब हम देख सकते हैं कि किस तरह से आकर्षक कैंडल व दिया को सजाया गया है और बच्चों ने ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाकर सभी को आकर्षित किया। इस संबंध में निर्णायक राजकुमार व नीलू दोनों ने अपना निर्णय सुनाने के बाद छात्राओं के इस हुनर की जमकर तारीफ की। पिताजी राजकुमार ने बताया कि इस क्षेत्र में भी बच्चों का रुझान बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता की गई, जिससे कि वह कुछ कला के क्षेत्र में सीखें और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने कहा कि बच्चों द्वारा बहुत आकर्षक ग्रीटिंग कार्ड्स व दिए बनाए गए थे और हमने बहुत ही निष्पक्ष तौर पर निर्णय देने का प्रयास किया। इस संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य सूर्यप्रकाश पांडे ने भी प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं निर्णायक व विद्यालय के प्रधानाचार्य। जैसा कि सरस्वती शिशु मंदिर में आज दीपावली पर्व मनाया जा रहा है और आपको निर्णायक की भूमिका प्रधानाचार्य जी द्वारा बनाया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्व को लेकर? धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए हमें जज का जीवन मौका मिला और हम उनके प्रोत्साहन करते हैं वहाँ भी और कार्य करते हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर बनी है रंगोली के लिए कितने लाए थे। आज आपके विद्यालय में दीपावली मनाई जा रही थी, किस तरह से मनाई जा रही है? लोगों ने योजना बनाकर सबको बधाई सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें जो विद्यालय के भैया हैं वो बधाई कार्ड बनाएंगे, बहनें रंगोली का कार्यक्रम करेंगी, दीप सजाने का काम करेंगी और उसके माध्यम से सर्व समाज को वो एक अच्छा संदेश देंगे। इसके लिए हमारे बीच से हमारे पूर्व छात्र रहे, विद्यालय के पूर्व छात्र दो लोगों को बुलाया गया है जो निर्णायक का काम है। वो कला और इन सब बातों में पूर्वांचल माहिर लोग हैं और उनकी सहायता से इस विषय का निर्णय। क्या नाम लोग हैं? श्रीमान राजकुमार जी जो रंगोली और आर्ट के माहिर हैं और बहन नीलू बहन जी जो कार्ड बनाने और कला की बहुत माहिर हैं, उन दोनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। और हम इस ऐप के माध्यम से विद्यालय परिवार के माध्यम से सभी लोगों को प्रकाश पर्व।